आठ, देखिए आठ में भी थोड़ा झमेला है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का क्यूब प्लस वन है और यहाँ है एक्स माइनस टू और बटा में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। चलिए यहाँ पर देखिए, वहाँ एक्स का क्यूब और प्लस वन का क्यूब कर देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पे सेट हो जाए, और इंटू में एक्स माइनस टू है। नीचे देखो इसका फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का एक्स माइनस का टू डी एक्स। चलिए अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो एक्स प्लस वन फिर एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में एक्स इंटू वन और प्लस में वन का स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस टू। देख रहा ना, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए। एक्स कॉमन करेंगे एक्स माइनस टू आएगा, प्लस का वन कॉमन करेंगे एक्स माइनस टू आएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, नीचे फैक्टर ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं, ऊपर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन इंटू में एक्स माइनस टू और बटा में है एक्स प्लस वन और इंटू में एक्स माइनस टू। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। चलिए ये बचे हुए का इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन और फिर आपका वन का भी इंटीग्रेशन। चलिए तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बटा थ्री, माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और वन का हो जाएगा एक्स और प्लस सी। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन